बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास ट्वेल्थ की एफएससी पार्ट टू आईसीएस पार्ट टू की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये टॉपिक हमारे दरमियान पहले भी डिस्कस हो चुका है। अब हम इसके आगे एक छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो ये है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो एफ़ हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है वो हमने सारा डिराइव कर लिया था। तो वो कितना एक्ट करता है, इट इज़ फाउंड बाय दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज़ एफ़ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो दिस इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द कंडक्टर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसको हमने वेरीफाई किया बाय वेक्टर रूल, बाय राइट हैंड ग्रिप रूल, बाय राइट हैंड पाम रूल इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, उसमें हमने ये पूरा डेरिवेशन किया और इसको राइट हैंड ग्रिप रूल और राइट हैंड पाम रूल से हमने वेरीफाई कर लिया था। वेक्टर रूल से रह गया था वो आप ये देख लें, वेक्टर रूल मीन्स इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन एल एंड बी। अगर आप याद करें तो फर्स्ट ईयर में क्रॉस प्रोडक्ट को हमने पढ़ा था कि क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। इट इज़ द एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, वो इस तरह से कि एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ हम रोटेट करें थ्रू द स्मॉलर एंगल, तो क्या होता है कि बाय राइट हैंड रूल हमें जो थंब पॉइंट कर रहा होता है तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज़ द रिजल्टेंट वी ऑब्टेन ड्यू टू दैट प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह ही हो रहा है। मैं ये आपको हाथ से दिखा देती हूँ कि अगर हम L को इस तरह रोटेट करें, इफ़ वी रोटेट L टूवर्ड्स B थ्रू द स्मॉलर एंगल, तो ये थंब जो है ये कहाँ पॉइंट करेगा, इट विल बी पॉइंटिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ L एंड B। ठीक है, and that is the direction of the force acting on the conductor when it is placed in uniform magnetic field perpendicular to it। ठीक है, तो ये वेक्टर रूल से भी वेरीफाई हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल वेरीफाइड आ गया है। अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूले के मुताबिक कब किसी कंडक्टर में जो कि करंट कैरी करता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स जो है उसके ऊपर मैक्सिमम होती है, कब वो मिनिमम होती है और कब वो दरमियानी वैल्यू होती है। तो वी सी दैट कि ये सारे रूल हमें बताते हैं, ऑल ऑफ दिस टेल अस दैट एफ इज़ मैक्सिमम व्हेन एल इज़ परपेंडिकुलर टू बी। क्यों, यानी कि एल और एल इज़ परपेंडिकुलर टू बी का मतलब है कि एल और बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा, विच इज़ 90 डिग्री। तो ये कैसे होगा कि देखें, ये फार्मूला अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का इसको एक्सटेंड करें तो इट विल बिकम एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और थीटा जो है वो हमने 90 डिग्री रखा, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये बन गया आई एल बी, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, इसका मतलब हमें यहाँ सामने नज़र आ रहा है कि एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर एल एंड वेक्टर बी इज़ 90 डिग्री। अगला सेकंड पॉइंट ये है कि एफ मिनिमम कब होगा, जब एल इज़ पैरेलल टू बी, यानी कि अगर हम कंडक्टर को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रख दें, यानी कि थीटा दोनों के दरमियान जीरो हो, तो एफ क्या होगा, आई एल बी साइन ज़ीरो, और ये आई एल बी साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो आपको एफ जो है वो ज़ीरो मिल गया, मिनिमम कह लें या ज़ीरो कह लें। ठीक है, तो वी सी दैट कि हमें एफ़ की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल गई जब एल और बी के दरमियान एंगल ज़ीरो है या दे आर पैरेलल। तो यहाँ एक सवाल छोटा सा इस बेसिस पर बन सकता है कि इज़ इट पॉसिबल दैट यू प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टिल देर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो येस, इट इज़ पॉसिबल। कैसे, इट इज़ पॉसिबल व्हेन द कंडक्टर इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने ये सारा मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखाना है। अब थर्ड पॉइंट ये आ गया कि अगर 90 डिग्री और ज़ीरो एंगल ना हो बल्कि कंडक्टर को हमने किसी एंगल पर रखा हो बी से, तो वी सी दैट देर इज़ एन इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एफ एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। इंटरमीडिएट वैल्यू मीन्स मैक्सिमम और ज़ीरो के दरमियान वाली कोई वैल्यू हो सकती है। तो एफ इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्सिमम एंड ज़ीरो वैल्यू फॉर एनी एंगल थीटा, सपोज इट इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज। समझ लें कि हमने कंडक्टर एल को 30 डिग्री पर रखा है विद मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन 30 डिग्री। साइन 30 इज़ 0.5,
हमारे पास एफ इजिकल टू आई एल बी मल्टीप्लाइड बाई 0.5, यानी कि ये 0.5 क्या है, ये हाफ ऑफ यू नो आई एल बी कितना था, आई एल बी वॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ मैक्सिमम का ये हाफ है जो कि अब हमें 30 डिग्री पे मिल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू आ गई एफ़ की, यानी कि ज़ीरो और मैक्सिमम के दरमियान में, बल्कि ये हाफ वैल्यू आ गई इस फोर्स की जो कि उस वक्त कंडक्टर पे लग रही है जब कंडक्टर इज़ प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सवाल ये भी मिल जाता है, ये एक छोटा सवाल ये भी बनता है कि व्हेन डू यू गेट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहेंगे कि व्हेन द एंगल बिटवीन द एल एंड बी इज 30 डिग्री, देन वी गेट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अब हम आते हैं इसके आगे कि व्हाट इज़ द यूनिट फॉर, या हम ये देखते हैं कि फाइनली जो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्टिंग ऑन द कंडक्टर आ रही है वो क्या है, और उससे हमें और क्या क्या क्वांटिटीज़ मिलती हैं। जी अब हम आते हैं कि हमें कौन कौन सी इससे क्वांटिटीज़ मिलती हैं। देखें, जब हमने हमने वो कंडीशन सपोज करनी है जब हम कंडक्टर को इस कंडीशन में रखें मैग्नेटिक फील्ड के साथ कि हमें मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर मिले, तो वो तभी हो सकता है जब एल और बी के दरमियान एंगल 90 हो, और ये साइन 90 गिव्स अस 1, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी जब एफ़ इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ एफ़ इज इक्वल टू आई एल बी। तो उस सिचुएशन में वी सी दैट बी इज़ इक्वल टू एफ ओवर आई एल। अब यहाँ पे इन सारी क्वांटिटीज से वी वर एक्चुअली ऑलरेडी फैमिलियर विद, एफ भी पता है हमें फोर्स, आई भी पता है करंट है, एल भी पता है लेंथ है, ठीक है, लेकिन बी के बारे में हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि बी इज़ जस्ट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ सेट अप अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस फॉर्मूले में आ जाती है तो ये सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती, इट बिकम्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड तो एक रीजन है, एक एरिया है अराउंड द कंडक्टर, ठीक है, तो उस रीजन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसकी हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बी को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज मैग्नेटिक इंडक्शन, वी कैन कॉल इट एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, इसको हम हाउ वुड वी डिफाइन इट, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि बी इज़ डिफाइंड एज फ्रॉम द फार्मूला, ये लीजिए ये आपको याद हो जाएगा, सिर्फ फार्मूला देखकर आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखें, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 meter लेंथ ऑफ अ कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 ampere ऑफ करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। देखें, जो जो चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व हुई हैं उसी को हमने वर्ड्स में बोल दिया है, व्हेन अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन सम कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इन विच करंट इज सम आई करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू इट and the conductor is placed at 90 degree, then the magnetic field strength will be B, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर words में कह दिया। अब now we come to the unit of this new quantity, that is magnetic field strength, ठीक है। अब इसकी unit क्या होगी वो भी हमें इस formula से मिल जाएगी। देखें, unit of B हम मालूम करना चाहते हैं, तो हम इन सब को भी इन सब की भी units इस formula में लिख लेते हैं। force की unit newton है, I यानी current की unit ampere है, L की unit यानी meter। तो वी सी दैट कि यूनिट ऑफ बी हमें क्या मिली, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और चूंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस टू सो मेनी थिंग्स टूगेदर टू कॉल द यूनिट ऑफ बी, टेस्ला इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि टेस्ला वॉज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली वॉज वर्किंग ऑन इट एंड ही गेव हिज नेम टू दिस यूनिट। तो टेस्ला हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ बी को, जो कि मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड दीज डेज, ठीक है। तो अब टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ बी, अदरवाइज अगर आप ये भी लिखते हैं तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। तो अब हम आते हैं 1 tesla को डिफाइन करने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि अब हम ये डिस्कस करेंगे हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ मिलती हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो एक हमें बी मिली, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरी हमें मिली टेस्ला। तो अब हम आपको यहाँ सवाल आ सकता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ बी, मींस यू हैव टू डिफाइन 1 tesla, ठीक है। कभी भी यूनिट डिफाइन करने आता है तो आपने उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करना है 1 tesla को। तो आप 1 tesla कैसे आएगा, आप सारे क्वांटिटीज़ के आगे 1 लगाइए, तो इट बिकम्स 1 newton डिवाइड बाई 1 ampere 1 meter, ठीक है। अब हम इस 1 tesla को डिफाइन करेंगे
कि वन टेस्ला इज़ डिफाइंड अगेन फ्रॉम द फॉर्मूला. यू सी वन टेस्ला इज़ डिफाइंड एज दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विच एग्जर्ट्स वन न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन वन मीटर ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड वेन करंट ऑफ वन एम्पियर पासिस थ्रू इट. ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी वेल नोन डेफिनेशन फॉर वन टेस्ला. और हमें यहाँ पता चल गया कि बी की यूनिट क्या है, टेस्ला है. और टेस्ला इज़ द यूनिट इन SI सिस्टम, इन SI यूनिट्स. ठीक है, SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स. एंड इट इज़ इक्वल टू 10^4 गॉस इन CGS सिस्टम. ये इसी तरह है कि जैसे SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर होती है ना, तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू CGS सिस्टम में इट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यू नो सेंटीमीटर इज़ अ स्मॉलर यूनिट, तो बहुत सारे सेंटीमीटर्स मिलके 1 मीटर के बराबर होते हैं. जैसे 100 को मैं 10^2 सेंटीमीटर लिख देती हूँ. इसी तरह 1 टेस्ला इज़ द बिगर यूनिट. इस बी की जो स्मॉलर यूनिट है वो है गॉस, और बहुत सारे गॉसेस मिलके 1 टेस्ला बनाएंगे. तो वो कितने सारे गॉसेस होते हैं, 10^4 गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला. इसको आप रिवर्स लिख सकते हैं कि ये अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 गॉस इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये क्वांटिटी विल कम हियर इन द डिनोमिनेटर एंड बिकम्स 10^-4 ऑफ टेस्ला इज इक्वल टू 1 गॉस. तो चाहे ये रिलेशन याद रखें या ये एक याद रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इट इज़ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस. तो ये है इस वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको बी के बारे में बताना था, डिफ़ाइन करना था, और 1 टेस्ला को डिफ़ाइन करना था. उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा. अब इसमें आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, चैनल का नाम याद रखें, फिज़िक्स पेज, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, उनको बताएं कि इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है और ये बहुत अच्छी इसमें आपको आर्टिकल्स एक्सप्लेन होती हैं. अगली वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स. तब तक इंतज़ार करें. अब आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. अल्लाह हाफिज़. बहुत शुक्रिया.